हेलो दोस्तों भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 9 तारीख को, और ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप है हमारा, डाउट सॉल्विंग चैनल है। और ये सब जो क्वेश्चंस मुझे मिला ये फेसबुक पेज पे से और कुछ चैनल्स के कम्युनिटी बॉक्स में से जाके मैंने उसको लिया है। और आप लोग को वहीं से मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ, और आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ जो NTPC के एग्जाम में है। और ये क्वेश्चन ही तो जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनका कम्युनिटी बॉक्स से ये क्वेश्चंस लिया गया है दोस्तों। और जो उनको कंफ्यूजन था भाई, तो यही सब क्वेश्चन पे कंफ्यूजन लग रहा था उनको। कुछ चार क्वेश्चन है मेरे पास, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, पहला क्वेश्चन है देखिए, √5 + √11। देखिए कितना लंबा सम आपको दिखा हुआ, कितना लंबा है, लेकिन इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो फ्रेंड्स देखिए, आपको जब भी ऐसा कि रूट का सम मिल जाए, जब रूट पे रूट ऐसे करके आपको रूट पे रूट दिया रहे, ऐसे करके आपको सम दिया रहे, तो आप हमेशा इस तरफ से अप्रोच कीजिएगा, यानी इस तरफ से करना स्टार्ट करना बनाना शुरू कीजिएगा। अब देखिए, जब मैं इस तरफ से स्टार्ट करना बनाना शुरू करता हूँ, तो सबसे पहला रूट होगा, यानी कि देखिए हाँ, सबसे पहला रूट क्या है, ये वाला। तो सबसे पहला रूट हमें आप देख सकते हैं कि 29 + 7, रूट पे कितना है 29 + 7। दोस्तों अगर 29 और 7 को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36, यानी दोस्तों 36 का अगर आप रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। देखिए कैसे हुआ, ये देखिए, जैसे आप इसने इसको जैसे आप इसको बना दिए, मैं रेड पेन ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए देखिए यहाँ 29 और 7 है, तो जैसे लिखा हुआ सबको वैसे ही लिखना है। ये देखिए देखिए, अब यहाँ रुक जाइए, यहाँ लास्ट रूट तो यही वाला है ना, ये 29 और 7। तो 29 और 7 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 36, यानी 36 का रूट कितना होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 36 का रूट मतलब कि रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद देखिए फिर से ऐसा हो गया, फिर से आपको रूट देखना है, उसके बाद वाला रूट सॉल्व करना है। अब देखिए आपके पास ये रूट है, ये रूट बचा है आपके पास 19 + 6 कितना होता है दोस्तों 25 का अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा ये तो हट जाएगा, ये होगा 5। देखिए 19 और 6 हो जाएगा कैसे 25 के यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए अभी क्या बच गया, तो ये बच गया 5, ये बच गया 5 + √11 + 5, यही बच गया आपके पास। अब देखिए 5 और 11 + 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 16, 16 का अगर स्क्वायर रूट कीजिए तो कितना आ जाएगा 4, यानी 5 + 4। अब 5 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, रूट 9 कितना हो जाता है 3, तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 3। बस यही था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था NTPC के शिफ्ट में, कल का जो क्वेश्चन एग्जाम हो तो उसमें पूछा गया था, तो 9-3 आंसर आया है आपका। और इस तरह से बनेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज करेगा, आप समझ के पाए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे ऐसा क्वेश्चन, तो आपको इधर से स्टार्ट करना है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई। तो भाई अब देखिए, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया है, उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% लाभ अधिक होता, लाभ 20% अधिक होता, यहाँ पर अधिक नहीं लिखा हुआ है, चलिए अधिक लिख लेते, अधिक होता है। कुकर का क्रय मूल्य क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसको 20 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो लाभ 20% अधिक होता, कुकर का क्रय मूल्य क्या है। तो इंग्लिश वाले हैं उनको नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कुकर को एक 16% लाभ पे किसी कुकर को बेचा गया, 16% लाभ पे बेचा गया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, और ये क्वेश्चन रिपीट कर जाएंगे NTPC में। यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, यानी कि जितना में भी बेचा गया ना, समझिए एक्स में बेचा गया, और अगर उसमें और एक्स और 20 रुपये और मिल जाता तो 20% लाभ, जो 16% लाभ हुआ है ना वो 20% लाभ हो जाता, जो 16% का जो लाभ हुआ है, देखिए जो 16% का लाभ हुआ है वो 20% हो जाता। तो बताना है आपको क्रय मूल्य कितना था, यानी कि क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया था। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, मान लिया कि 116x, यानी देखिए 100 में जितना लाभ होता है वो जुट जाता है और हानि होने से घट जाता है, तो 100, ये देखिए 116/100, और हमने CP को यहाँ पहले x मान लेंगे, हम लोग CP को यहाँ पे x मान लेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 116/100x, ये आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 116/100 हो गया, एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स। तो भाई चलिए अभी क्वालिटी अच्छा दिख रहा होगा, और हो सके तो एक बार इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए 116/100 हो गया, ये क्या हुआ ओरिजिनल, यानी जितना में बिचा ओरिजिनल CP जितना में बिका। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि 20% लाभ कब होता है, जब वो 20 रुपये ज़्यादा में बिकता, तो 20% लाभ होने का मतलब है कि 120/100x ये लाभ होता, ये कब होता, देखिए ये अभी हुआ है, और ये होता कब होता, जब 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, यानी चलिए जब 20 रुपये अधिक में बेचा, मतलब क्या कि 120% प्रॉफिट में और 16% प्रॉफिट में कितने रुपए का अंतर है दोस्तों, 20 रुपए का। तो आपका क्वेश्चन यहाँ बन गया, नहीं समझे, देखिए
20% का लाभ कब होता है, उसको अभी 16% का लाभ हुआ है और उसको होना कितना चाहिए था, अगर वो और 20 रुपये उसको और मिल जाता तो 20% का लाभ हो जाता है, यानी 16 और 20 में कितने का अंदर हो गया, 20 रुपये का। तो हम इसको अब घटा देंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 20। चलिए देखिए यहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 × 100 और यहाँ हो जाएगा 4x बराबर। चलिए ये कट जाएगा 25 बार में, दोस्तों ये हो गया आपका 500 रुपये। 500 रुपये आपका उत्तर हो गया, क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 500 था। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था जो दोस्तों लोगों को इतना डर लग गया इसे। तो भाई तीसरा क्वेश्चन, डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन लोग डर गए, क्यों डर गए पता नहीं, चलिए देखते हैं। आपको इसका मान बताना था भाई, इतना ईजी क्वेश्चन था, आपको इसका बस मान बताना था लेकिन कुछ लोग डर गए। कैसे करना था आपको, इसको सॉल्व कर लेना था। देखिए 125 गुणे 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500 और उसमें 12 जोड़ दीजिए, यानी 512 बटे 125 और यह जो साइड में 3 है यानी कि ये घनमूल है। तो अब देखिए 512 किसका रूट है दोस्तों, 8 का। 20 तक कम से कम क्यूब रूट आपको याद कर लेना चाहिए, ये 8 का हो गया और 125 किस क्या हो गया 5 का, माफ़ कीजिएगा देखिए ये गलत फिर से मैंने कर दिया। देखिए 512 भी 125 है और एक क्यूब रूट है, तो देखिए 512 किसका हो गया 8 का और 125 किसका हो गया 5 का, आपका उत्तर 8/5 हो चुका है। अगर डेसिमल में पूछता और डेसिमल में पूछा होगा तो इसका उत्तर हो गया होगा 1.6। चलिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा था ये, चलिए देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। ये देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले आपको एक्स एक्स प्लस वाई का और एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 2 और यहाँ 16 है, क्वेश्चन कैसा है चलिए इसको थोड़ा सा रेड ब्लू पेन से ब्लैक पेन से, 2 का पावर 2x माइनस वाई का पावर कितना हो गया 16। अब इसका बेस अगर सेम कीजिएगा तो पावर भी सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 है यहाँ 16 है, तो 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 4, 4 × 8 × 8 = 16, ये हो गया 16 यानी 2 के पावर 4। दोस्तों 2x माइनस वाई का मान हो गया कितना के पावर 4, बेस समान हो गया, पावर इक्वेट कर लीजिए, 2x माइनस वाई के मान हो गया 4, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 2x प्लस वाई 32 हो गया, 2x प्लस वाई 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्यों देखिए 2 × 4, देखिए 2 × 4 × 8 × 16 × 32 कितना हो गया 32, 3 और 2 5, ये हो गया 2 के पावर 5, बेस फिर से समान हो गया यानी पावर बराबर हो जाएगा। चलिए पावर बराबर हो गया, कोई यहाँ मिल गया यहाँ मिल गया, अब इसको साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ कर लेंगे क्या, 2x माइनस वाई का मान कितना हो गया 4 और यहाँ हो गया x प्लस वाई कितना हो गया 5। देखिए 2x और x कितना हो गया 3x, y से y कट गया ये हो गया 9, x हो गया कितना 3, x 3 हो गया। अब इसको इसमें रखिएगा तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 2। अब आपसे पूछा गया था x y पूछा था, आपसे x y पूछा था तो x इंटू वाई कर लीजिए यानी कि 3 × 2 कर लीजिए, 6 आपका उत्तर आ चुका है। x इंटू वाई x 3 था वाई 2 था, तो 6 आपका उत्तर आ गया। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए क्योंकि सबको पढ़ना ज़रूरी है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा फेसबुक पेज जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, और इंस्टाग्राम पेज भी आप जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलिए थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।